भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जी हाँ, और ये हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय कार्तिक आर्यन की, जिनकी झोली में फिल्मों की बरसात हो रही है। क्या है कार्तिक को लेकर ये खबर, चलिए जानते हैं। भूलभुलैया 2 में तांत्रिक बाबा बने कार्तिक आर्यन की किस्मत भी जादू की तरह चमक रही है। एक नहीं कई फिल्मों की लिस्ट उनकी झोली में गिर गई है। कुछ समय पहले अभिनेता कृति सैनन के संग शहजादा की शूटिंग में बिजी थे। हाल ही में कार्तिक ने कियारा आडवाणी के साथ सत्या प्रेम की कथा की शूटिंग भी शुरू कर दी है। और अब ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन हिट फ्रेंचाइजी फिल्म आशिकी 3 का हिस्सा बनने वाले हैं। बता दें कि आशिकी और आशिकी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में रही है और अब आशिकी 3 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं अभी इस फिल्म के लिए फीमेल लीड की घोषणा नहीं की गई है। आशिकी 3 का निर्देशन अनुराग बसु करने वाले हैं। आशिकी 3 को लेकर कार्तिक आर्यन कहते हैं, आशिकी एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। आशिकी 3 में काम करना एक सपने के सच होने जैसा है। भूषण कुमार और मुकेश भट्ट के साथ काम करने के लिए मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं अनुराग बसु के काम का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और उनके साथ काम करने से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अनुराग बसु ने भी आशिकी 3 को लेकर खुशी जाहिर की। वेल, आपको बता दें कि 1990 में आई फिल्म आशिकी को महेश भट्ट ने निर्देशित किया था। ये टी सीरीज और विशेष फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई थी। इस फिल्म में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसके बाद साल 2013 में मोहित सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म आशिकी 2 रिलीज हुई। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर नजर आए थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अब आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन नजर आने वाले हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फैंस कार्तिक को कितना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़, मुंबई।